नमस्कार, आप सभी का एग्रीकल्चर वेदिका में एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि छोटे पौधे यानी कि स्मॉल प्लांट्स की ग्रोथ करने का फॉर्मूला क्या है। मैं आपको बताऊंगा आपके छोटे पौधे तेजी से बड़े हो जाए उसके लिए आपको क्या करना होगा। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के लिए धन्यवाद। आप मेरे सामने तसले में जो चीज़ देख रहे हैं वो सुपर कंपोस्ट खाद है। सुपर कंपोस्ट खाद सामान्य खाद से अलग होता है। जो खाद हमें गाय, भेड़, बकरी और भैंस से प्राप्त होती है, सामान्यतः हम उसे खुले वातावरण में एकत्रित करते हैं जिससे सूर्य की गर्मी और हवा में उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। उसी खाद को यदि हम जमीन में गड्ढा खोद कर डालते हैं, जब वो भर जाता है तो उसे बंद कर देते हैं और 5-6 महीने के बाद इस प्रकार की खाद तैयार हो जाती है। इसके कई फायदे हैं, जैसे इससे खरपतवार नष्ट हो जाती है, पौधों में दीमक का प्रकोप नहीं होता, सभी सूक्ष्म पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पौधों को प्राप्त होते हैं। इसमें जो पाउडर नुमा चीज आपको दिखाई दे रही है वो ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम है। इसको मैंने एक तसले में आधा केजी ट्राइकोडर्मा हार्जिनियम मिलाया है और इसके बारे में यदि आपको ज़्यादा जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका एक वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आइए समझते हैं इसको पौधों में डालना किस प्रकार डाला जाता है। तो एक पौधे में लगभग 500 ग्राम खाद प्रति पौधा डालते हैं। खुरपी या पावड़ा या और कोई कृषि औजार की सहायता से इसमें खोदी लगाते हैं और खोदी लगाने के बाद में प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध करवाते हैं पौधों को, और आप चाहें तो ड्रिप की सहायता से भी पौधों को पानी दे सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और मैं ऐसा करता हूँ। किसान भैया, ये हो जाने के बाद में आपको गिब्रेलिक एसिड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है। गिब्रेलिक एसिड 0.00% को 2-3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाना है और पौधों की पत्तियां, टहनियां और तने पर स्प्रे करना है जिससे पौधों को एक्सटर्नल न्यूट्रिशन उपलब्ध हो जाता है और पौधे तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और यदि पौधे फल या सब्जियों वाले हैं तो उन पर जल्दी पुष्प आकर फल और सब्जियां लग जाती हैं। तो किसान भाइयों, इस फॉर्मूले को आप ज़रूर अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि पर्यावरण शुद्ध हो और ये कार्य मानव जाति की भलाई के साथ साथ एक पुण्य कर्म भी है। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि सुपर कंपोस्ट की बनावट क्या होती है और सुपर कंपोस्ट को किस प्रकार तैयार किया जाता है और सुपर कंपोस्ट तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों को किस प्रकार अनुदान दिया जाता है और किसानों को जो सिंगल सुपर फास्फेट मिलता है उसका आवेदन किस प्रकार किया जाता है, ये सब बातें हम अगले वीडियो में समझेंगे। और इस प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य किसानों के साथ शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।